तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आप जैसा कि थंबनेल देख ही रहे हो, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो लेखपाल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में बने रहिए। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य देखेंगे, जैसे कि कोर्ट केस में क्या हुआ है अभी तक और रिजल्ट कब तक आ सकता है लेखपाल का। ठीक है, डीवी की कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है, कट ऑफ इतनी कम होने का कारण क्या हो सकता है, तो पूरी सूचना देंगे, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ हमने पॉइंट लिए, जैसे कि बच्चे जो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो कोर्ट केस में किया हुआ, जैसे कि अभी तक कोर्ट केस में किया हुआ है, कोर्ट केस कब तक चलेगा, ठीक है, लेखपाल रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ इतना कम होने का कारण। ठीक है, तो इन चारों बिंदु पर देखने वाले हैं ये कैसे हैं। तो साथियों सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी तक कोर्ट केस में क्या हुआ है, जैसे कि आपको बता दूं, जो सबसे पहले जो सुनवाई थी जो यानी कि 2 दिसंबर को थी, ठीक है, जो उज्जला की, तो वो पूरी टाइम ओवर हो गया था, वो सुनवाई हो नहीं पाई थी। तो जो नेक्स्ट है जो सुनवाई होगी वो 7 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो ये 7 दिसंबर को होगी। और आपको बता दूं, और कोर्ट अजय नेक्स्ट देख रहे हैं कि कोर्ट जो केस कब तक चलेगा। आपको बता दूं, जो आपका जो यानी कि वैकेंसी का जो कोर्ट केस है, ये वो कोर्ट केस नहीं है जो इसमें कोई हार जीत का फैसला नहीं, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन की वजह से, ठीक है, ये क्वेश्चन की वजह से ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में ये भर्ती चली गई है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है उन पे बच्चे का जो वो रट्टा ली है कि उसमें जो कन्फ्यूजन है, यानी कि आयोग कुछ और बता रहा है, बच्चे कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन की वजह से ये भर्ती जो हाई कोर्ट में चली गई, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट जो कोर्ट केस है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब लेखपाल रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, लेखपाल रिजल्ट की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि जो यानी कि पहली सुनवाई थी 2 दिसंबर को, उसका टाइम ओवर हो गया, फिर बहुत जल्द ही जो अगली तारीख दे दी है 7 दिसंबर। ठीक है, तो अब 7 दिसंबर को पूरी तरीका से जो यानी कि कंप्लीट हो जाए, तो आपको बता दूं लेखपाल रिजल्ट अब ज़्यादा आने में समय नहीं लगेगा। आपको बता दूं जैसे कि या तो जनवरी में सेकेंड वीक या लास्ट तक आ सकता है, और मैं आपको बता दूं आपका रिजल्ट फरवरी तक तो 100% आ जाएगा। यानी कि जैसे कि जनवरी में नहीं आया, ठीक है, तो फरवरी में तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, कट ऑफ इतना कम होने का कारण क्या है। जैसे आपको सबसे पहले बता दूं, जो कट ऑफ कम होने का इतना कारण ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनका यूपीएसआई में हुआ है, एसएससी सीजीएल जो उसमें का रिजल्ट आया उसमें भी हुआ है, ग्रुप डी, लोअर पीसीएस, जो एनटीपीसी जैसे एग्जाम है, इनमें जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लेखपाल की डीवी कंप्लीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो और डीवी में क्या है, बहुत सारे यानी कि जो चांस बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे डीवी के अंदर। ठीक है, और यही इसका जो मेन कारण है कि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि आयोग को भी पता है बहुत सारे बच्चे जिसका यूपीएसआई में हो जाएगा वो लेखपाल में क्यों आएगा। ठीक है, सीजीएल में हो जाएगा लेखपाल में क्यों आएगा। ग्रुप डी की बात करते हैं, हाँ, वहाँ का जो बच्चा है वो जरूर डीवी देगा इसका, जिसका अच्छे नंबर बढ़ रहे होंगे तो वो जरूर देगा। जैसे कि लोअर पीसीएस में जैसा हो जाएगा वो क्यों करेगा। ठीक है, और एनटीपीसी की बात करते हैं तो ये बच्चे कोई नहीं आने वाले, तो इसकी जो कट ऑफ होने का जो मेन कारण यही है। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर पहले बता रहे थे 85 85, आप ये 85 तो जा ही नहीं सकती कभी। ठीक है, आपको बता दूं मैंने कट ऑफ पहले भी बताई है लेखपाल की, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ लग रहेगी यानी कि 75 के अराउंड ही कट ऑफ घूमेगी। ठीक है, 85 वगैरह ये सब बकवास की बातें, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, जो बच्चे पकड़े गए 15,000, वो भी पूरी तरीका से यानी कि आयोग लगा हुआ है, एसटीएफ उसकी जांच कर रही है, तो वहां से बच्चे बहुत सारे निकल जाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जो डीवी में पकड़े जाएंगे, तो कट ऑफ जो होने का एक मेन कारण ये भी है। ठीक है, जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं धांधली वाले, यानी कि कुछ बच्चे अभी जो एसटीएफ पकड़ ले रही है, कुछ डीवी में बच्चे भी पकड़े जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। ठीक है, आपको बता दूं जैसे कि अब जैसे कि जो फ्रॉड बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका यही होगा कि जो एसटीएफ पूरी तरीके से जांच कर रही है, यानी कि जांच कर रही है, और जैसे कुछ बच्चे बच भी जाते हैं, अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो उन्हें डीवी के अंदर देख लिया जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका रिजल्ट जनवरी या फरवरी माह के, यानी कि जैसे जनवरी या सेकंड या लास्ट तक आ सकता है, और ना फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर एसटीएफ जाँच समय ले रही है, तो उसका एक कारण हो सकता है क्योंकि ज़्यादा क्लीन तरीका से पूरी तरीका से इसकी जाँच चल रही है, जिससे कि बच्चे यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो जिन्होंने नकल वगैरह की है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों का ही फायदा होगा, जिनके नंबर कम बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर उन बच्चों का सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ ज्यादा होने का एक कारण बन सकता है, तो आपकी कट ऑफ लगभग कम ही जाएगी। और कोर्ट केस की बता दी, इसमें कोर्ट कोर्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन की वजह से भर्ती कोर्ट में चली गई है, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट में गई है, और जो क्वेश्चन वगैरह जो रट वगैरह डाली है बच्चों ने, तो वहाँ पर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। रट की आपको बता ही दी मैंने कि आपका जनवरी या फरवरी माह तक आ सकता है, जनवरी के सेकंड या लास्ट तक, उन्हें फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। और कट ऑफ के बारे में बता ही दिया, क्योंकि यूपीएसआई में जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, जो इसमें क्या बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यूपीएसआई वाले बैठे हैं, सीजीएल वाले बैठे हैं, ग्रुप डी वाले बैठे हैं, लोअर पीसीएस वाले भी बैठे हैं, एनटीपीसी वाले बैठे हैं, तो ये लोग अगर जिसका जब ग्रुप डी वाला बच्चा 100% आएगा, आपको बता जिसके नंबर अच्छे बढ़ रहे होंगे तो वो 100% यानी कि डीवी के लिए आएगा, मगर यूपीएसआई और सीजीएल वाला जो एनटीपीसी, ये बच्चे
यानी कि एक मतलब नहीं आ सकते, ठीक है। जहां तक आप ही समझो, जैसे कि जिस बच्चे का यूपीएससी में हो जाएगा वो क्यों लेखपाल की वो देगा टीवी। तो ग्रुप डी की बात कर सकते हैं, इसका एक मेन कारण ये भी है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको बता दूं, जिस जो बच्चे यानी कि जैसे जो वीडियो का एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपलसी वीडियो री एग्जाम 2018 वाले देंगे, आप कोई भी बच्चा जो यूपी पुलिस का एग्जाम देगा, बी एंट्रेंस देगा, तो उसके लिए हमने एक जीएस की क्लास स्टार्ट की है, जो 9 बजे से आएगी रोजीना, कल हमने स्टार्ट किया। तो उस क्लास को आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। और आज की वीडियो हम रखते हैं, अगर जो कुछ अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई भी पूछना हो सवाल तो उसका जरूर रिप्लाई देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो हम रखते हैं, धन्यवाद।